हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ प्रीवियस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से जुड़े हुए कई पुरस्कार की चर्चा किए थे, जिसमें आपको राजीव गांधी खेल पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड, इसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में जाने थे। और आज राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की श्रृंखला के अंतर्गत हम जानेंगे ध्यानचंद पुरस्कार। तो सबसे पहले जानिए कि जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है दिया कब जाता है। तो यह आपको 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के युवा मामलों और खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो इस बार क्या हुआ है कि जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है, इसके तहत 15 खिलाड़ियों को चुना गया है। लेकिन ध्यानचंद पुरस्कार को शुरू करने से पहले हम कुछ पिछले टॉपिक को रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले वर्ष 2020 में क्या हुआ है कि आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत 5 खिलाड़ियों को चुना गया है। इसके अलावा आपको अर्जुन अवार्ड के लिए आपको 27 खिलाड़ियों को चुना गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए आपको 13 खेल प्रशिक्षकों को चुना गया है और ध्यानचंद पुरस्कार के लिए आपको 15 खिलाड़ियों को चुना गया है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा रिकॉल कीजिएगा कि वर्ष 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को मिलेंगे? 5 खिलाड़ियों को। ठीक है, 27 खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड, 13 जो खेल के ट्रेनर होंगे यानी कि 13 जो खेल प्रशिक्षक है उनको क्या होगा कि द्रोणाचार्य अवार्ड मिलेंगे। इसके अलावा 15 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिए जाएंगे। तो थोड़ा सा जान लीजिए किन पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी। तो सबसे पहले अर्जुन अवार्ड, इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में। फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। फिर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी। उसके बाद है आपको मेजर ध्यानचंद अवार्ड, इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2002 में। तो आइए ध्यानचंद अवार्ड के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, यह अवार्ड जो है खिलाड़ियों के जीवन भर के कार्यों को क्या करता है, गौरवान्वित करता है। यानी कि जो खिलाड़ी सक्रिय है या जो खेल से सेवा निवृत्त हो चुके हैं, वैसे खिलाड़ियों के योगदान को क्या करता है कि ध्यानचंद पुरस्कार जो है वह आपको दर्शाता है। ध्यानचंद पुरस्कार का जो आधिकारिक नाम है वह है आपको खेलों में जीवन गौरव ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, यानी कि ध्यानचंद पुरस्कार का जो आधिकारिक नाम है क्या है, तो खेलों में जीवन गौरव ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे और इन्हीं के नाम पर वर्ष 2002 में भारत सरकार के द्वारा ध्यानचंद अवार्ड की शुरुआत की गई थी। और यह पुरस्कार जो है युवा मामलों व खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं वह भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, तो युवा मामलों व खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। और अभी के जो हमारे खेल मंत्री है वो आपको किरण रिजिजू है। ठीक है, तो जानिए कि वर्ष 2020 में किन किन खिलाड़ियों को ध्यानचंद अवार्ड के लिए चुना गया है। तो देखिए, इसमें कुलदीप सिंह, जिंसी फिलिप्स, ठीक है, तो इन दोनों का संबंध जो है वो आपको एथलेटिक्स से है। वहीं आपको प्रदीप गंधे और तृप्ति मुरगुंडे, इसका संबंध जो है वो आपको बैडमिंटन से है। एन उषा लखासी, इनका संबंध जो है मुक्केबाजी से है। सुखविंदर सिंह फुटबॉल से, आपको अजीत सिंह हॉकी से चुने गए हैं। ठीक है, उसके बाद मनप्रीत सिंह कबड्डी से, जे रंजीत कुमार पैरा एथलीट, सत्य प्रकाश तिवारी आपको पैरा बैडमिंटन, मंजीत सिंह रोइंग, सचिन नाग जो है उन्हें तैराकी के लिए चुना गया है, नंदन पाल टेनिस के लिए चुना गया है और नेत्रपाल हुडा जिन्हें कुश्ती के लिए चुना गया है। तो देखिये यहां पर कि इस बार जो ध्यानचंद अवार्ड है वो कितने खेलों के लिए दिया गया है। तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि टोटल 12 खेल के 15 खिलाड़ियों को क्या हुआ है कि आपको ध्यानचंद पुरस्कार के लिए 2020 में चुना गया है। तो थोड़ा सा इस टॉपिक को एक बार और रिकॉल कर लीजिए कि ध्यानचंद पुरस्कार 2020 में किन्हें मिलेगा। तो देखिए, कुलदीप सिंह, जिंसी फिलिप्स, ठीक है, जो कि एथलेटिक्स के लिए,
प्रदीप गंधे, तृप्ति मुरमुंडे, बैडमिंटन के लिए इन उषा और आपको लखा सिंह, इन्हें मुक्केबाजी के लिए सुखविंदर सिंह, फुटबॉल अजीत सिंह, हॉकी के लिए मनप्रीत सिंह, कबड्डी के लिए जे रंजीत कुमार, पैरा एथलीट के लिए ठीक है सत्य प्रकाश तिवारी, पैरा बैडमिंटन के लिए मंजीत सिंह, रोइंग के लिए सचिन नाग, तैराकी के लिए नंदन पाल, टेनिस के लिए नेत्रपाल हुड्डा, कुश्ती के लिए। तो देखिए इन खिलाड़ियों के नाम देने के अलावा हम इनके खेल का भी क्या किए हैं नाम दर्शाए हैं। इससे क्या होता है कि अब जो कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें खिलाड़ियों के खेल से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ से कौन कौन से प्रश्न उठेंगे, सबसे पहला कि ध्यानचंद पुरस्कार जो है वो आपको दिया कब से जाता है, तो वर्ष 2002 से। किसके द्वारा दिया जाता है, तो भारत सरकार के युवा मामले व खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। इस अवार्ड को देने का उद्देश्य क्या होता है, तो यह अवार्ड जो होता है खिलाड़ियों के जीवन भर के कार्यो को क्या करता है, गौरवान्वित करता है, अर्थात वो सक्रिय खेल में है तब और इसके बाद जब वो सेवानिवृत्त होते हैं तब, इन दोनों चीजों को वो क्या करता है दर्शाता है। तो ध्यानचंद पुरस्कार के लिए बस 2020 में क्या है कि 15 खिलाड़ियों को चुना गया है, लेकिन इसके अलावे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत जो होते हैं 4 अवार्ड दिए जाते हैं, आप इसका नाम भी याद रखेंगे ठीक है। यानी कि आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत कितने अवार्ड दिए जाते हैं, 4 अवार्ड। अर्जुन अवार्ड जो कि इस बार यानी 2020 में आपको 27 खिलाड़ियों को मिला है, फिर आपको द्रोणाचार्य अवार्ड जो कि 13 खेल प्रशिक्षकों को मिला है, राजीव गांधी खेल पुरस्कार जो कि 5 खिलाड़ियों को मिला है, इसके बाद ध्यानचंद अवार्ड जो कि 15 खिलाड़ियों को मिला है। तो इस बार जो टोटल अवार्ड की संख्या है वो कितनी है आप यहां से देख सकते हैं ठीक है, यानी कि टोटल को आप ऐड करके देख सकते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न के लिए 15 खिलाड़ियों को, 27 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड के लिए, 13 कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए और 15 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद अवार्ड के लिए क्या किया गया है, चुना गया है ठीक है। तो यहां से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उम्मीद है कि इस टॉपिक से आप बता पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको इस टॉपिक में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग हमारे साथ डेली टेस्ट प्रतियोगिता में शामिल होना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी, उससे आप जुड़ सकते हैं और आप वहां प्रतिदिन आयोजित होने वाले टेस्ट में भाग ले सकते हैं और अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।